जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। भाजपा के संकल्प पत्र को देखते हुए ऐसा लगता है मानो झारखंड की जनता महज एक लाभार्थी है। अभी तक जनता के बीच जो वो बोल रहे थे और वो संकल्प पत्र में वो सब गायब है। मैंने अपने कई सारे वीडियो में आपको राजनीतिक पार्टियों द्वारा लाभार्थी बनाने की बात बोलता रहा हूँ। भाजपा ने 25 बिंदुओं का अपना संकल्प पत्र जारी किया। इन 25 संकल्पों में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को खाने के लिए लाइन में खड़े हुए व्यक्ति की नज़र से देखा कि ये लोग भूखे नंगे हैं, इनके आगे दो चार टुकड़े रोटी के डाल दो और ये लोग हमारे कब्जे में आ जाएंगे। इनके संकल्प पत्र में नीतियों से संबंधित बातें हैं जो कि आदिवासियों और मूलवासियों को प्रभावित कर सकती है, नहीं है, लेकिन जो गैर आदिवासियों को प्रभावित करती है वे हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उनके संकल्प पत्र में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों को छोड़कर बाकी सभी लोगों के लिए हिंदू कोड बिल लागू होने की बात कहती है। इस समय के लिए आदिवासियों का वोट लेना है, इसलिए आदिवासियों को इन लोगों ने अपने इस संकल्प से बाहर रखा हुआ है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में आदिवासियों को हिंदू घोषित की हुई है और क्षेत्र में RSS की शाखाएं आदिवासियों को हिंदू बनाने में लगी हुई है, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आदिवासियों की एक अच्छी खासी आबादी हिंदू धर्म के कर्मकांडों में विश्वास करने लगेंगे, तो उस दिन आदिवासियों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत हिंदुओं की मान्यता मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। UCC और NRC पर हेमंत सोरेन का पलटवार बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। हेमंत सोरेन ने आह्वान किया कि झारखंड में ना UCC होगा ना NRC होगा, झारखंड में सिर्फ CNT और SPT होगा। यह बहुत ही ज़ोरदार जवाब है और आदिवासियों के लिए उत्साहवर्धक भी। CNT और SPT पर भाजपा कुछ भी बात नहीं करना चाहती है। जमीन से संबंधित कानून पर कोई भी स्टैंड भाजपा के संकल्प पत्र में कहीं भी नहीं है। अपने संकल्प संख्या 7 में भाजपा कहती है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का निपटारा किया जाएगा। घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन की वापसी और आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा नहीं दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, इस संकल्प में कहीं पर भी NRC का जिक्र नहीं है, जो ये लोग अपने भाषणों में लगातार बोल रहे थे। संथाल परगना क्षेत्र में SPT एक्ट है, जो संथाल आदिवासियों के जमीन की रक्षा का कानून है। SPT एक्ट का अक्षरशः पालन करने से आदिवासियों की जमीन कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन SPT एक्ट के होते हुए भी रघुवर दास ने गोड्डा में आदिवासियों की बहुफसली जमीन को अडानी को दे दिया था। तो भाजपा को इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि गोड्डा में अडानी पावर प्लांट को दिया गया जमीन, जो SPT एक्ट का उल्लंघन करके दिया गया है, क्या वापस आदिवासियों को अडानी से छीन कर दिया जाएगा? या भाजपा का मकसद सिर्फ मुसलमानों के द्वारा कब्जा की गई जमीन आदिवासियों को वापस दिलाने की है? यह स्पष्ट करना चाहिए भाजपा को। अगर ऐसा है तब एक भी जमीन आदिवासियों को वापस नहीं हो पाएगी, क्योंकि 100% जमीन तो गैर आदिवासी हिंदुओं ने ही आदिवासियों की कब्जा करके रखी हुई है। आप बातों को समझ रहे होंगे। 50 लाख की संख्या में संताल परगना क्षेत्र में गैर आदिवासी हिंदू घुस गए हैं। सेंसस 2011 में यह आंकड़ा आया हुआ है। इसलिए झारखंड के आदिवासी और मूलवासी इस नारे पर टिके रहें कि झारखंड में ना ही NRC होगा ना UCC होगा, झारखंड में होगा तो सिर्फ CNT और SPT होगा। लक्ष्मी जोहार योजना के तहत सभी परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का संकल्प भाजपा के संकल्प पत्र में है। वैसे याद दिलाते जाऊं कि भाजपा ने राजस्थान में 450 रुपये में सिलेंडर का वादा किया था। अभी तक राजस्थान की जनता उस 450 रुपये के सिलेंडर का इंतजार कर रही है। राजस्थान में उन्होंने सभी के लिए 450 रुपये में सिलेंडर का वादा तो किया था, लेकिन जब सरकार बनी तो उसके लिए भाजपा ने एक अलग ही नियम बना दिया। उस नियम के अनुसार गैस उपभोक्ता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ा होना चाहिए, BPL और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से भी जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद KYC भी करानी होगी, तभी उन्हें सिलेंडर मिलेगा। लेकिन आप हेडिंग को देखिए, सिलेंडर 821 रुपये में मिलेगा। वहाँ के नियम के अनुसार उपभोक्ता को पूरा भुगतान करने के बाद भुगतान की गई राशि में 450 रुपये काट कर शेष राशि सब्सिडी के रूप में उसके दर्ज कराए गए बैंक खाते में सीधे सरकार की ओर से ट्रांसफ़र होगी। इतनी परेशानी के कारण काफ़ी लोग, जो राजस्थान की भाजपा सरकार ने क्राइटेरिया तय किया है उसके अनुसार सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। तो भाजपा को झारखंड में इसका जवाब देना चाहिए कि 500 रुपये में जो सिलेंडर वो देना चाह रहे हैं उसके लिए क्या शर्तें हैं।
ये लोग उन शर्तों को इस समय नहीं बोल रहे हैं, एक बार वोट दे दीजिए फिर देखिए इनकी शर्तें आपके घर तक पहुंच जाएंगी, यह इनकी कोशिश है। चुनाव से पहले घर घर ये लोग आपको ये बताने के लिए आएंगे कि सिलेंडर हम आपको 500 रुपये में देंगे। चुनाव जीतने के बाद सब्सिडी वाला सिलेंडर लेने की पात्रता को समझने के लिए आपको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप थक हार के बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर लेने के लिए मजबूर किए जाएंगे। जो इस समय राजस्थान में 450 वाला सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है, उसका कारण भी यही है। चुनाव से पहले भाजपा लोगों के चरणों में थी और चुनाव के बाद जनता भाजपा के चरणों में चक्कर काट रही है। आदिवासी अस्मिता और सम्मान के नाम पर पर्व और लोक आयोजनों के लिए अनुदान की बात इनके संकल्प में है। एक बार सोच कर देखिए कि आदिवासियों के पर्व त्यौहार या उनके अनुष्ठानों में किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस दिन सरकार के सहायता से आदिवासी समाज अपने पर्व त्योहारों और अनुष्ठानों को मनाना शुरू करेंगे, वहीं से उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत खत्म की ओर चली जाएगी। आदिवासियों की सभी चीज़ें प्राकृतिक रूप से चलती है। सरकार जब भी आपको पैसा देती है तो उसके लिए विकास के नाम का डंडा आपके अस्तित्व पर चलाया जाता है। तो भाजपा कह रही है कि आपके पर्व त्योहारों में भाजपा का दखल होना चाहिए, जो वो पैसे के बल पर आपको नचाना चाहती है। कल को आप ढोल नगाड़े के लिए सरकार पर आश्रित हो जाएंगे, पूजा पाठ के लिए सरकार पर आश्रित हो जाएंगे, तब ये लोग आदिवासियों के संस्कृतियों को हिंदुओं की ओर मोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के आरक्षण से इतनी घबराई हुई है कि इन्होंने अपने संकल्प पत्र में ओबीसी आरक्षण को 27% करने की बात लिख तो दी है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं, जब झारखंड नया बना था उस समय के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ही ओबीसी आरक्षण को 27% से 14% कर दिया था, और अपने को आज ओबीसी का हितैषी दिखाने के लिए 27% आरक्षण की बात वे कह रहे हैं। जब 27% आरक्षण के मामले में भाजपा सहमत है, तब हेमंत सोरेन के प्रस्ताव जिसमें दलित आदिवासी और पिछड़ों का आरक्षण कुल मिलाकर 77% पर उन्हें क्यों दिक्कत है? क्या सिर्फ इसीलिए दिक्कत है कि एक आदिवासी ने ऐसा प्रस्ताव पारित कराया? पहले वाले वीडियो में मैंने बताया ही था कि आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों से भाजपा को परेशानी क्यों है भाई? आदिवासियों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों पर कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले ही हिमंता बिस्वा सरमा बोल रहे थे, सरना कोड के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। कितना झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सच्चाई तो यही है कि पार्लियामेंट में इन्होंने सभी आदिवासियों को हिंदू घोषित किया हुआ है, और यह बात लोगों को पता भी चल गई। इसके पीछे भाजपा का मदर संगठन आरएसएस की विचारधारा है, जो आदिवासियों को हिंदू मानती है। जब आरएसएस आदिवासियों को हिंदू मान रही है, तो फिर भाजपा की इतनी हिम्मत कहाँ कि किसी भी सूरत में वह सरना कोड दे दे? यानी कि भाजपा ने अपना संकल्प लिया है कि आदिवासियों को सरना कोड नहीं देना है। भाजपा के 25 संकल्पों में कहीं पर भी आदिवासियों के लिए सरना कोड की बात नहीं कही गई है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान सरना कोड वह नहीं दे सकती, जो करना है कर लो, क्योंकि वह सभी आदिवासियों को हिंदू जो मानती है। अब जो भी आदिवासी अपने को हिंदू कहते हैं या हिंदू मानते हैं, वे लोग भाजपा के आदिवासियों को सरना कोड नहीं देने के ऐलान के साथ खुशी खुशी उन्हें वोट दे सकते हैं। यदि आपको सरना कोड नहीं चाहिए तो बेहिचक भाजपा को वोट दे सकते हैं, और जिनका नारा सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी से दूर ही रहेंगे, तो उनकी पहचान बची रह पाएगी। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के बारे में कोई बात भाजपा के संकल्प में नहीं है। इसका मतलब रघुवर दास ने जो 1985 का कट ऑफ का स्थानीय नीति बनाया था, वही भाजपा लागू करेगी। इसका मतलब 1985 के पहले जो भी लोग झारखंड आ गए, वे सभी झारखंडी, और हेमंत सोरेन के हिसाब से 1932 खतियान में दर्ज लोग ही असली झारखंडी। पांचवी अनुसूची, समता जजमेंट, जनजातीय सलाहकार परिषद, झारखंड के खनिज संपदा पर आदिवासियों की हिस्सेदारी आदि के बारे में कोई बात भाजपा के संकल्प में नहीं है। इसका मतलब आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति भाजपा निरंकुश है। पेशा अधिनियम 1996 के क्रियान्वयन के लिए हालांकि कुछ लिखा है, लेकिन पंचायत अधिनियम को सशक्त करने के लिए लिखा है, जबकि पेशा कानून आदिवासियों के स्वशासन से संबंधित अधिनियम है। भाजपा आदिवासियों को स्वशासन के अधीन ना करके प्रशासन के अधीन लाना चाहती है, ताकि उपायुक्त के माध्यम से आदिवासियों की जमीन
अधिग्रहित की जा सके, जबकि पेशा अधिनियम ग्राम सभा के निर्णय के आलोक में ही कोई भी जमीन अधिग्रहण करने की बात करती है। आदिवासियों के लिए नीतिगत स्तर पर कोई भी बात भाजपा के संकल्प में नहीं है, सिर्फ कुछ स्कीम रोटी के टुकड़े की तरह आपके सामने परोस दिए गए हैं। उसके सिवाय भाजपा के संकल्प में आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, आप भी इस वीडियो को देखकर लोगों को समझाइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबको धन्यवाद। जोहार।